नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, बिहार के संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। सारा खबर शुरू करें उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बिहार के जो संविदा कर्मी हैं उनको जो है कि अभी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू और तेजस्वी जी की जो है कि बहुत याद आ रही है। संविदा कर्मी उनको अभी जो है कि बहुत याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से संविदा कर्मी की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं और इस उम्मीद को पूरा करने हेतु संविदा कर्मी चाहते हैं कि उनकी जो मांग है उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक एवं बिहार की आम जनता तक पहुँचाएँ। तो इसी कड़ी में आज हम संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक बिजली विभाग मानव बल एवं इस चैनल से जुड़े तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों की आवाज़ सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और जो है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज मैं बताना चाहता हूं कि बिजली विभाग में बड़ी संख्या में मानव बल की सेवाएँ ली जा रही है। मानव बल के कार्यों के बदौलत ही बिहार आज बिजली के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छू रहा है। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान या भारी बरसात, हर मौसम में मानव बल से कार्य लिया जाता है और ये लोग कार्य करते हैं। और अब इन्हीं के कार्यों के बदौलत बिहार में उजाला फैला हुआ है, जिसका नतीजा है कि निर्बाध रूप से गांव हो या शहर बिजली की आपूर्ति जारी है और गांव और शहरों में उजाला फैला रखा है बिहार के मानव बल के लोगों ने। लेकिन मानव बल के खुद के जिंदगी में काफ़ी अंधेरा है। यह अंधेरा क्यों है और इसका कारण क्या है, वह हम अभी आपको बताने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। किसी भी सोर्स के माध्यम से सरकार और सरकार के वरीय अधिकारियों तक यह जो है कि वीडियो पहुंचता है तो सरकार इस वीडियो पर संज्ञान लेने का काम करे। जी हाँ मुख्यमंत्री जी, मानव बल आज काफ़ी परेशान है और इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी परेशानी का पहला कारण यह है कि इनको जो मानदेय दिया जाता है वह इनको न देकर किसी तीसरे पार्टी को दिया जाता है, जो 26% GST के नाम पर कटौती कर इनको भुगतान करते हैं। दूसरा कारण, इन लोगों का कार्य काफ़ी जोखिम भरा कार्य है। ये हमेशा अपनी जान पर खेलकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं और कभी कभार इन लोगों को कार्य करते समय करंट लगता है, जिससे इन लोगों की शारीरिक क्षति होती है। और इसके बाद भी जो मानव बल को मानदेय मिलता है वह बहुत कम है। इस महंगाई के दौर में जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मुख्यमंत्री महोदय, इनकी मांग है कि मानव बल जो है मांग कर रहे हैं कि इनकी जो है कि वेतन सरकार सीधे इनके खाते में भेजे, 26% GST की कटौती बंद किया जाए और साथ ही इनके कार्य के अनुसार इनका वेतन कम से कम 30,000 किया जाए, इनको अनुकंपा का लाभ एवं सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। और यह जो है कि मानव बल का मांग है सरकार से, जो कि सरकार से पूरा होने की उम्मीद ये लोग लगाए बैठे हैं और इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। इस मांग का हम समर्थन करते हैं और हमारे जो अन्य संविदा कर्मी भाई लोग हैं उसमें जो है कि पंचायत कार्यपालक सहायक लोग हैं। पंचायत कार्यपालक सहायकों ने बिहार को डिजिटल बनाकर सरकारी योजनाओं को पंचायतों में धरातल पर उतारने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, यह बात सर्वविदित है। कार्यपालक सहायक अपने घर से कोसों दूर अपना कंप्यूटर सेट लेकर पंचायतों में सरकार द्वारा सौंपे गए विभिन्न प्रकार के जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं। पंचायत के कार्यों के अलावे कार्यपालक सहायक जिला एवं प्रखंड द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों एवं VC का आयोजन, यानी कि सभी तरह के सरकारी कार्य या वह जिला के द्वारा सौंपा गया हो, सरकार के द्वारा सौंपा गया हो या प्रखंड स्तर पर जो है कि किसी तरह का जो है कि आयोजन हो, किसी तरह का कार्यक्रम हो, कोई भी जो है कि योजना का क्रियान्वयन हो और तमाम तरह के कार्यों को ये लोग भली भांति अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद भी इनके नौकरी की कोई गारंटी नीतीश बाबू आपने नहीं रखा है।
सरकार ने अभी तक इनके नौकरी को 60 वर्ष के लिए स्थायी नहीं किया है, जिससे हटाए जाने का डर हमेशा इन लोगों को सताता रहता है। और इसके साथ ही इन लोगों को जो मानदेय सरकार दे रही है वह इस महंगाई के ज़माने में और इनकी कार्य क्षमता और योग्यता के अनुसार पर्याप्त नहीं है। इनकी जो योग्यता है, जो कार्य ये लोग करते हैं, जिस ग्रेड का कार्य इनको सौंपा गया है, उसमें जो है कि महज जो राशि इनको दी जा रही है वह पर्याप्त नहीं है। इनकी मांग है कि इनको सरकारी क्लर्क के पद पर समायोजित किया जाए, इनकी सेवा 60 वर्ष के लिए अस्थाई किया जाए, वेतन कम से कम जो है कि 30,000 किया जाए कार्यपालक सहायकों का, और जो है कि कंप्यूटर प्रिंटर सेट खरीदने हेतु राशि का आवंटन सरकार इनको करे। इन लोगों की मांग कोई बड़ी मांग नहीं है, सरकार चाहे तो पूरा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग अपने जीवन यापन हेतु आवश्यकता के अनुसार और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसी प्रकार का मांग कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत इन्हें है। सरकार चाहे तो इसको जो है कि तत्काल पूरा कर सकती है और करना ही चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि जो है कि ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और अपने जीवन का अमूल्य समय देकर जो है कि अपने जो शिक्षा है, इन्होंने जिनकी जो जानकारी है उसका लाभ तमाम तरह से जो है कि आम जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय तत्काल इनकी मांगों को पूरा करने का कार्य करें, इसका अनुरोध मैं भी एक बार फिर अपने चैनल और अपने 30 लाख सब्सक्राइबर्स से व्यूअर्स के तरफ से बिहार सरकार से करता हूँ। सब्सक्राइबर तो मेरे 1 लाख हैं, लेकिन देखने का काम मेरे व्यूअर्स 30 लाख के करीब में हैं। उन सबकी तरफ से मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि कार्यपालक सहाय की सेवा स्थायी, कार्यपालक सहाय का वेतन 30,000, क्लर्क के पद पर कार्यपालक सहाय का समायोजन, और साथ ही कंप्यूटर प्रिंटर सेट खरीदने हेतु तत्काल प्रभाव से राशि का आवंटन और समय पर मानदेय मुहैया करवाने का काम बिहार सरकार को अविलंब शुरू करते हुए इस चुनावी वर्ष में जो है कि इस बात का श्रेय ले लेना चाहिए। चूँकि जो है कि इन लोगों का वेतन तो वृद्धि अभी कीजिएगा तो उसका जो है कि चूँकि जनता से जुड़े हुए लोग हैं, इनका जो है कि बहुत प्रभाव है जन क्षेत्रों में। आपकी क्या मांगे हैं, इसके अलावे जो संविदा पर नियोजित कर्मी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको हम कहना चाहते हैं। वैसे तो इन लोगों की मांग कार्यपालक सहायक बिजली विभाग मानव बल का हम समय समय पर दोहराते रहेंगे। इसके अलावे भी बहुत सारे संविदा पर नियोजित कर्मी हैं जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा और कार्यपालक सहायक बिजली विभाग मानव बल के लोगों से भी कि आप लोगों की क्या और मांगे हैं वह जो है कि हमको कमेंट में अपने पद नाम के साथ बताने का काम कीजिए, ताकि हम अपने कार्यक्रम में आपके सवालों को उठा सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर इसे शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों की भांति सरकार तक पहुंचाइए, ताकि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों की भांति आप लोगों का भी मांग जल्द से जल्द पूरा करवाने में हमको सफलता मिले और जो है कि आपको इसका लाभ मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। जो भी सरकार से अपडेट आएगी उसको हम लेकर आपके साथ आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।